बड़ी खबर लखनऊ से मिल रही है, जहां स्वास्थ्य विभाग में तबादलों की गड़बड़ी का मामला, जिसमें अब इस मामले में अफसरों पर एक्शन शुरू हुआ है। पूर्व डीजी हेल्थ डॉक्टर वेदव्रत सिंह पर जांच के आदेश दिए गए हैं। ये बड़ी खबर। संयुक्त निदेशक डॉक्टर बीकेएस चौहान के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग में तबादलों में हुई गड़बड़ी का ये मामला है, जिसमें अब अफसरों पर एक्शन शुरू हो चुका है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में एक्शन को लेकर जल्द से जल्द काम करने की बात कही थी। तबादले जो हुए थे और इसमें गड़बड़ी की संभावना जताई गई, उसे लेकर रिपोर्ट मांगी गई थी। शैलेश अरोड़ा अब हमारे संवाददाता जुड़े हैं। शैलेश, क्या है जुड़ी और जानकारी इन कार्रवाइयों से जुड़ी हुई? देखिए, स्वास्थ्य विभाग में बड़े पैमाने पर तबादले में गड़बड़ियां सामने आई थी। खुद डिप्टी सीएम और विभाग के जो मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक, उन्होंने इस मामले में अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य को पत्र लिखा था। मामला बढ़ता गया, जिस तरह से हंगामा हुआ, धरना प्रदर्शन हुआ, फिर मुख्यमंत्री ने मामले का संज्ञान लिया, जांच के निर्देश दिए। और अब आपको बता दें कि जो विभाग के पूर्व डीजी हेल्थ है, उनके खिलाफ जांच के आदेश हो गए हैं। इसके अलावा तीन संयुक्त निदेशक के खिलाफ जांच के आदेश हुए हैं, एक निदेशक पैरामेडिकल के खिलाफ जांच के आदेश हुए हैं। यानी जो कार्रवाई है वो किस स्तर पर चली है आप देख सकते हैं। अगर बात करें निदेशक पैरामेडिकल डॉक्टर निरुपमा दीक्षित की, तो उनसे 7 दिन के अंदर स्पष्टीकरण तलब कर लिया गया है। उनके ऊपर अगर हम आरोप की बात करते हैं, तो 624 कर्मचारियों के स्थानांतरण में गड़बड़ी का मामला फिलहाल सामने आ रहा है कि निजी अनुरोध पर किया गया। और इसी तरह से अगर बात करें डीजी हेल्थ के मामले को लेकर, तो उसमें भी देखिए ये चीज निकलकर सामने आई है कि कहीं ना कहीं जो तबादले किए गए उनमें तमाम तरह की गड़बड़ियां थी, चीजों को ठीक से देखा नहीं गया, उसका खामियाजा, पूरी व्यवस्था डिरेल हुई देखिए, जिसकी वजह से भुगतना पड़ा। अगर हम बात करें पूर्व डीजी हेल्थ डॉक्टर वेदव्रत सिंह को लेकर, तो उनके जो जांच के आदेश है उसमें साफ लिखा है कि जो लेवल 1 के चिकित्सा अधिकारी, फार्मासिस्ट, ईसीजी टेक्नीशियन, प्रयोगशाला प्रवेदक, जो अन्य संवर्ग के कार्मिक होते हैं, तो उनके बड़ी संख्या में स्थानांतरण में उनके जो पदीय दायित्व था उनका निर्वहन नहीं किया गया है, तो इन चीजों के जो आरोप लगाए गए हैं। और देखिए, जांच के लिए अगर पूर्व डीजी की बात करें, तो उनके खिलाफ जांच के लिए जो सचिव स्तर है, सचिव जो है चिकित्सा अनुभाग के, उनको जांच अधिकारी बनाया गया। इसी तरह से जो बाकी अधिकारी है उनके लिए भी उच्च स्तरीय अधिकारियों को जांच सौंपी गई। और ये मानकर चलिए जब ये जांच रिपोर्ट आएंगी, तो कई लोगों के ऊपर गाज गिरना तय है, क्योंकि इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री भी बहुत सख्त है। डिप्टी सीएम बृजेश पाठक का जो सख्त रूप था वो पहले ही देखने को मिल चुका है। तो ये मानकर चलिए अभी जैसे जैसे जांच बढ़ेगी, कई और अधिकारी इसके जद में आ सकते हैं, कई और लोगों पर बड़ी कार्रवाई भी इस पूरे मामले में हो सकती है। बिल्कुल शैलेंद्र, और शुरुआती जो जांच है उसका असर अब देखने को मिल रहा है। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और इसी के साथ 10 का दस्तावेज में फिलहाल के लिए बस इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।